फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड। मैं आज आपके लिए ऑप्टिक्स का पार्ट थर्ड लेकर आया हूं। आपने इससे पहले पार्ट वन तथा पार्ट टू में लाइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ें, एंगल ऑफ डेविएशन तथा ग्लांसिंग एंगल के बारे में जानकारी हासिल किए। आज मैं आपको मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स मिरर को। मिरर, पहले देखिए मिरर कितना टाइप्स का होता है। मिरर दो टाइप्स का होता है, एक प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, इसको हिंदी में समतल दर्पण बोला जाता है और इसको गोलीय दर्पण। ये फर्दर आगे डिवाइड होता है दो भाग में, पहला कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉनवेक्स मिरर। को हिंदी में अवतल दर्पण बोला जाता है, अवतल दर्पण, इसको उत्तल दर्पण। सबको मैं हम पहले बारी बारी से पढ़ेंगे। इसको समतल दर्पण बोला जाता है हिंदी में, समतल दर्पण। तो फर्स्ट ऑफ पहले हम प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे आज, उसके बाद फिर हम स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए इसको समतल दर्पण क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो क्या होता है, एक पूरी तरह से प्लेन होता है, समतल होता है। इसलिए इस मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। इसे एक स्फेरिकल मिरर इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि इसको स्फेयर से काट कर इसे बनाया जाता है। इसके इस पार्ट को काट लिया गया तो ये और पेंटेड कर दिया जाएगा तो ये आपका स्फेरिकल मिरर हो जाएगा, और ये इस पार्ट को अगर काट के इसे पेंटेड कर दिया जाएगा तो ये आपका स्फेरिकल, यानी जिसे हम स्फेयर से काट के निकालेंगे उसे हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, यानी जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस वो क्या हो, कर्व हो। अब प्लेन मिरर उसको बोला जाता है जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस प्लेन हो। तो आइए हम डिस्कस करते हैं प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर को समतल दर्पण बोला जाता है, जो अभी हम बताए आपको, जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस यानी वक्र पृष्ठ जिससे वो परावर्तित होता है वो क्या होता है, एक प्लेन रहता है। जैसे देख लीजिए इसका ये जो रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या है, प्लेन है। ऐसे ऐसे भी हम बना सकते हैं, ये इसका क्या है, रिफ्लेक्टेड सरफेस है। अब आइए इसे हम देखते हैं कि इससे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है या इससे इमेज कैसे बनता है। किसी दो प्लेन सरफेस को, प्लेन मिरर को अगर थीटा एंगल पर रखा जाएगा तो उससे कितने नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मेशन होगा, हम इसके बारे में अभी आगे डिस्कस करते हैं। टॉपिक हेड डालते हैं इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। इससे क्या क्या क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में ये मैं आपको बताता हूं। प्लेन मिरर से बनने वाला इमेज ये मेरा आदमी हो गया, मान के चलिए एक ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस देखा, जिसका भी इमेज एक्स डिस्टेंस पे
सेम हाइट का ही बनेगा। यानी प्लेन मिरर से इमेज ऑब्जेक्ट को जितने डिस्टेंस पे रखा जाएगा उसका इमेज भी प्लेन मिरर के पीछे उतने ही डिस्टेंस पर बनेगी और सेम हाइट के बनेगी। ये जो इमेज होता है वो इरेक्ट होता है यानी सीधा होता है एंड इरेक्ट वर्चुअल होता है, काल्पनिक होता है एंड लेटरली इन्वर्टेड होता है। यानी कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो हमारे सेम हाइट का बनता है, जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही डिस्टेंस पे उसका इमेज बनेगा प्लेन मिरर के पीछे, और वो इमेज इरेक्ट होता है, सीधा होता है, वर्चुअल काल्पनिक होता है और लेटरल इन्वर्टेड होता है यानी पार्श्व उल्टा होता है। जैसे कि आप प्लेन मिरर में अगर खड़ा होइएगा तो आपके राइट हैंड की जगह उसका लेफ्ट हैंड दिखाई देगा और लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड दिखाई देगा, यानी आपका वो लेटरली अपोजिट साइड का दिखाई देगा। जो इमेज वर्चुअल होता है उसको हम स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वर्चुअल इमेज कैन नॉट ऑब्टेंड ऑन स्क्रीन। तो देखिए प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगा वह ऑब्जेक्ट के सेम हाइट का होता है और वो जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही डिस्टेंस पे इसका क्या रहेगा इमेज भी फॉर्म होगा। और प्लेन मिरर से बनने वाला इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, वर्चुअली होता है एंड लेटरली इन्वर्टेड होता है। जितना भी इमेज होगा, जितना टाइप्स का इमेज होता है, अगर इमेज इरेक्ट हुआ यानी सीधा हुआ तो वो क्या रहेगा वर्चुअल रहेगा यानी काल्पनिक रहेगा। यानी जितना भी सीधा प्रतिबिंब होता है वह क्या होता है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हम आई के बारे में जब आपको बताएंगे तो हमको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस रहता है, वो क्या वो हमारे जो रेटिना स्क्रीन पे बनता है इन्वर्टेड फिगर बनता है, इन्वर्टेड फिक बनता है, लेकिन माइंड हमारा उसको सीधा करके हमें बताता है। यानी कि जितना भी इरेक्ट यानी काल्पनिक होगा सीधा प्रतिबिंब होगा वह क्या होगा काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। आया समझ में? तो चलिए इससे हम आपको अब आगे ले चलते हैं कि इमेज फॉर्मेशन तो हो गया हमारा। अब दूसरा जो प्लेन मिरर से जो दूसरा क्वेश्चन आता है मैं अब उसके बारे में बता रहा हूं आपको। चलिए क्वेश्चन आता है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का हाइट 6 फीट है या कितना भी हो तो हमें मिनिमम कितना लेंथ का प्लेन मिरर हमें लगाना होगा और हम प्लेन मिरर को कैसे दीवार में सेट करेंगे। मान लीजिए कि हम खड़े हैं आईना, अगर आईना हमारे पैर के पास होगा तो क्या हमारा फुल इमेज बन सकता है? कभी नहीं। या मिरर को हम बहुत ऊपर कर दिए तो क्या हमारा फुल इमेज कभी बनेगा? नहीं। तो फुल इमेज बनने के लिए यानी किसी भी प्लेन मिरर में किसी ऑब्जेक्ट का फुल मिरर फुल फिगर बनाने के लिए फुल इमेज बनने के लिए उसे कितना मिनिमम लेंथ का प्लेन मिरर होना चाहिए और उसको हम कैसे सेट करेंगे, चलिए हम इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। चलिए एक स्टेटमेंट लिखते रहे टू सी फुल इमेज मिनिमम रिक्वायर्ड मिनिमम रिक्वायर्ड मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज
हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए, यदि ऑब्जेक्ट का हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट 6 मीटर है, 6 फीट है, 6 मीटर का मान लीजिए 6 मीटर है कुछ समय, सपोज दैट, तो हमें मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज 3 मीटर होगा, यानी मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इक्वल टू हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट हाइट बाई टू, यानी किसी भी इमेज को देख, किसी भी ऑब्जेक्ट को फुल इमेज देखने के लिए कम से कम उसकी आधी हाइट की या लंबाई की प्लेन मिरर होनी चाहिए। चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल है एबीसी, यदि ए बी के मिड पॉइंट डी हो तथा ए सी का मिड पॉइंट ई है, अगर हम बी सी के पैरेलल ए बी के मिड पॉइंट तथा ए सी के मिड पॉइंट पर एक लाइन खींचते हैं, तो इस डी ई की लंबाई 1/2 बी सी होती है। उसी तरह मान लीजिए एक प्लेन मिरर है, अगर यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, कोई इंसान खड़ा है, यहां से यहां तक किसका है डिस्टेंस एक्स, यहां से यहां तक एक डिस्टेंस जितना हाइट का इसका ये पर्सन है या ऑब्जेक्ट है, उतना ही हाइट का यहां भी इसका क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा, इमेज बनेगा। इस इमेज को देखने के लिए हमें या इस आंख से सिर्फ हमें इस पार्ट के मिरर को ही आवश्यकता है, ये मिरर नहीं बीच रहेगा तो कोई बात नहीं है। तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की फुल इमेज देखने के लिए उस ऑब्जेक्ट के कम से कम आधी लंबाई का प्लेन मिरर होना चाहिए, अधिकतम कितना भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिरर कितना भी हाइट का लंबाई का उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मिरर कम से कम ऑब्जेक्ट की आधी होनी चाहिए, तभी ऑब्जेक्ट का फुल इमेज उस मिरर में बनेगा, अन्यथा नहीं। चलिए एक प्लेन मिरर से एक और क्वेश्चन आता है कि यदि यह एक प्लेन मिरर है, यदि कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी पर्सन, मान ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे प्लेन मिरर है, अगर 2 मीटर पर सेकेंड से मिरर की तरफ दौड़ रहा है, तो उसका इमेज कितना स्पीड से दौड़ेगा, चलेगा? तो यहां भी इसका आंसर क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड से ही, यानी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ इमेज। बट अगर आपसे कोई पूछ दे कि इमेज का स्पीड तो सेम रहेगा, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ रहे कि आपको कितना आपको अप्रोच होकर लगेगा कितना कि वो स्पीड में दौड़ रहा है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए कि आप भी 2 मीटर स्पीड से दौड़ रहे हैं, इमेज भी 2 मीटर स्पीड से दौड़ रहा है, तो हमें कैसा प्रतीत होगा, कि हमें लगेगा कि इमेज 4 मीटर पर सेकेंड से हमारी तरफ आ रहा है, क्योंकि इसका इसका स्पीड भी इंक्लूड हो जाएगा और इसका स्पीड भी इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ एक स्टेटमेंट लिख देंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवार्ड्स ए प्लेन मिरर, ए प्लेन मिरर
विथ ए स्पीड वी, तो द इमेज द रिलेटिव सॉरी द रिलेटिव स्पीड ऑफ इमेज इमेज विल बी टू बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रहा है तो इमेज का जो एक्चुअल स्पीड होगा वह क्या होगा, उसके इक्वल होगा, लेकिन वो आपके रिलेटिव स्पीड यानी आपके उसको आपको लगेगा कैसा है, स्पीड ऑफ अप्रोच कितना होगा, तो स्पीड ऑफ अप्रोच होगा 2 इंटू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हमको लगेगा वह क्या है कि वो हमसे दुगनी रफ्तार से वो आ रहा है, स्पीड ऑफ अप्रोच हो जाएगा 2 इंटू स्पीड ऑफ कट तो नहीं रहा स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए अभी तक हमने प्लेन मिरर में क्या क्या पढ़ा एक बार हमसे हम ओवरव्यू ले लेते हैं, इसके बाद फिर हम अगला इसके अभी प्लेन मिरर में ही चलेंगे कि प्लेन मिरर का जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है वो क्या होता है, प्लेन होता है, जो उसकी इमेज फॉर्म होता है वो क्या होता है, इरेक्ट होता है, वर्चुअल होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है। यदि किसी ऑब्जेक्ट का हाइट 6 फीट है या 6 मीटर है तो हमें कम से कम 3 मीटर का क्या लेना होगा, प्लेन मिरर लेना होगा, तभी हमारा फुल इमेज उसमें बन सकता है। जितना हाइट का ऑब्जेक्ट रहता उतना ही हाइट का इमेज बनता है प्लेन मिरर में। यदि कोई मिरर की तरफ कोई 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो उसका इमेज जो चलेगा वो भी 2 मीटर की स्पीड से ही चलेगी, लेकिन हमें लगेगा कैसा, हमें लगेगा कि वो दोगुना स्पीड से चल रही है। यदि सपोज दैट अगर एक ट्रेन यहाँ से जा रही है और एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, या अगर इसका 20 किलोमीटर पर आवर है और इसका 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें जो बैठा इंसान है उसे कैसे ये ट्रेन कैसे लगेगी, उसे लगेगी कि कट रहा है क्या, सॉरी कट गया है थोड़ा सा, एक मिनट कट गया था। देखिए 20 किलोमीटर से ये अगर कोई बॉडी ट्रेवल कर रहा है मूव कर रहा है और ये 40 किलोमीटर से कोई बॉडी मूव कर रहा है, तो उसे दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। आया बात समझ में? चलिए हम आप चलते हैं अब दूसरे टॉपिक की ओर कि इसमें तो हो गया कि मिरर क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। अगर मिरर भी मूव करे, ऑब्जेक्ट भी मूव करे, तो इमेज कैसे मूव करेगा, हम अब इसके बारे में जानते हैं। मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है 12 मीटर पर सेकेंड से, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, और यहां पर यह मिरर है जो 2 मीटर पर सेकेंड से, इसको कोई मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है मिरर लेके खड़ा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है और मिरर लेके हम उसके पीछे साइड से मूव कर रहे हैं, तो जो हमारा इमेज बनेगा वो कहाँ मूव करेगा, इस साइड। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले हम फॉर्मूला को समझ लें, वी आई इज इक्वल टू 2 VM माइनस VO, कट तो नहीं रहा सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए इसका एक फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ इमेज का, वी आई इक्वल टू 2 VM माइनस VO, वेयर वी आई इक्वल टू स्पीड ऑफ इमेज, स्पीड ऑफ इमेज VM इक्वल टू स्पीड ऑफ मिरर, VO इक्वल टू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी यह हमारा प्रतिबिंब की स्पीड को, प्रतिबिंब की चाल, और यह हमारा दर्पण का चाल है, और VO क्या है, ऑब्जेक्ट का यानी वस्तु का चाल है। तो पहले इस
फॉर्मूला को पुट करने से हम साइन कॉन्वेंशन का यूज करेंगे, यानी चिन्ह प्रॉपर्टी, साइन कॉन्वेंशन। हम अगर कोई चीज मान लीजिए पोल है, अगर इधर कोई, इधर अगर कोई ट्रेवल कर रहा है तो इसको हम प्लस में लेते हैं, क्यों, क्योंकि इधर एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर कोई इधर ट्रेवल कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, तो इसको हम माइनस में लेंगे, क्योंकि हमारे इधर एक्स क्या होता है, माइनस में रहता है। तो चलिए हम देखते हैं, अगर मान लीजिए कोई मिरर है, कोई इसको मिरर को पकड़ लिया, कोई इधर मिरर को इधर खसका रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और ऑब्जेक्ट 12 मीटर पर सेकेंड से इधर चल रही है, तो इमेज का स्पीड क्या होगा, हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, वी आई इक्वल टू 2 VM - VO, जहां पर वी आई का स्पीड ऑफ इमेज, VM स्पीड ऑफ मिरर, और VO स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस फॉर्मूला को हम पुट करने से पहले साइन कन्वेंशन का जरूर यूज करेंगे। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है किस साइड से मूव कर रहा है, लेफ्ट साइड, पहले फॉर्मूला लिखते हैं वी आई इक्वल टू लेफ्ट साइड, जिसको हम माइनस में लेंगे, और ये हमारा जो मिरर है वो राइट साइड में मूव कर रहा है, यानी प्लस में मूव कर रहा है, यानी 2 × 2 - यहां पे माइनस है, और यहां पे भी हम क्या कर देंगे, फिर माइनस का यूज कर लेंगे, यहां पे फिर 12 मीटर, 2 × 2 = 4 - - + + 12 हो गया। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 14 मीटर पर सेकेंड आ गया इमेज का स्पीड। आया समझ में? तब चलिए हम इसके बाद, अगर मिरर मूव कर रहा है ये भी बता दिए। अब आपको आता है कि यदि किसी दो प्लेन मिरर को थीटा डिग्री एंगल पे एडजस्ट किया जाएगा तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगी, नंबर ऑफ इमेज। नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज इंक, हाँ नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज को हम पढ़ने से पहले हम दो केस के बारे में जान लेंगे। एक होता है साइमेट्रिक केस और एक होता है असाइमेट्रिक केस। तो हम दोनों के पहले इसके बारे में जान लेंगे, फिर उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। केस वन, साइमेट्रिक, साइमेट्रिक, साइमेट्रिक का मतलब होता है कि ये एक प्लेन मिरर, दो प्लेन मिरर है, दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का, और जो ऑब्जेक्ट रखा गया है इस दोनों मिरर के बीचों बीच, यानी यहां से यहां का एंगल 45 डिग्री और यहां से यहां का एंगल 45 डिग्री, तो इसको हम लोग कहेंगे साइमेट्रिक केस। और एक होता है, यहां पे कटेगा तो नहीं, केस टू, असाइमेट्रिक, साइमेट्रिक। इसमें मान लीजिए मिरर है, प्लेन मिरर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इसमें ऑब्जेक्ट हम कहीं भी रख, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो यहां से यहां के बीच का 60 डिग्री हो गया, यहां के बीच का 30 डिग्री, यानी इसमें ऑब्जेक्ट को हम दोनों मिरर के बीचों बीच नहीं रखते हैं, और साइमेट्रिक केस में हम ऑब्जेक्ट को दोनों मिरर के बीचों बीच रखते हैं। तो साइमेट्रिक केस के लिए जो हमारा नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला होता है वह यह है, नंबर ऑफ इमेज (360/θ - 1), यानी नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए हमें साइमेट्रिक केस में इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, और असाइमेट्रिक केस में हम दो फॉर्मूले का यूज करते हैं, एक इमेज (θ = 360/θ - 1)
एंड 360 बाई थीटा। इसमें नंबर ऑफ इमेज हरदम क्या होना चाहिए? ऑड नंबर आना चाहिए। अगर हमारा इस फॉर्मूला से ऑड नंबर आता है तो इसका आंसर होगा, अगर नहीं तो हम इस फॉर्मूले से यानी असिमेट्रिक केस में जो नंबर ऑफ इमेज होता है वो हमेशा ऑड नंबर में ही आता है, यह इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। लेकिन साइमेट्रिक केस में ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि यदि एक प्लेन मिरर है, 90 डिग्री पर ऑब्जेक्ट को रखा गया, क्वेश्चन समझ लीजिएगा, 90 डिग्री दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, और ऑब्जेक्ट असाइमेट्रिक केस में है यानी इस दोनों के ऑब्जेक्ट को बीचों बीच नहीं रखा है गया है, यानी यह एसाइमेट्रिक का केस है। क्वेश्चन में रहेगा कि वो साइमेट्रिक क्या रहेगा कि असाइमेट्रिक का, एसाइमेट्रिक का केस। तो जब एसाइमेट्रिक का केस होगा तो पहले हम इस फॉर्मूला को चेक करेंगे। मान लीजिए ये फॉर्मूला को यूज किए, 360 थीटा का मान कितना है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है दोनों दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल बाय 90, तो ये हमारा कट के क्या आ गया 4, तो क्या आ गया 4 इवन नंबर। तो हम इस फॉर्मूला का यूज यहां पर नहीं करेंगे, अब इस फॉर्मूला का यूज किया जाएगा। लेकिन अगर साइमेट्रिक केस होता तो हम हरदम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो समझ लीजिए कि एसाइमेट्रिक केस में जो नंबर ऑफ इमेज होता है वो हरदम ऑड होता है, और साइमेट्रिक केस में नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला निकालने के लिए हम इसे यूज करना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन में आपको कोई केस दिया रहे तब तो बात सही है, अगर कोई केस ना दिया रहे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाए कि इफ टू प्लेन मिरर इज प्लेस्ड बिटवीन द एंगल 80 डिग्री तो फाइंड द नंबर ऑफ इमेज, तो उसमें हम इस एसाइमेट्री का केस को मानकर उसके हम आंसर को बनाएंगे। आया समझ में? चलिए इसके आगे हम और क्वेश्चन को लेके चलते हैं। चलिए अब प्रॉपर्टीज हम कुछ पढ़ लेते हैं प्लेन मिरर, उसके बाद प्लेन मिरर का खत्म हो जाए, समाप्त हो जाएगा। चलिए प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। तो देखिए इसमें पहला प्रॉपर्टी होता है कि जो फोकस होता है प्लेन मिरर का वह इंफिनिटी पर होता है। फोकस ऑफ प्लेन मिरर इज एट इन्फिनिटी। कैसे? मान लीजिए कि प्लेन मिरर है, किसी सोर्स से लाइट टकराई प्लेन मिरर पर ट्रेवल करके, फिर कोई लाइट टकराई, तो ये जो दो रेखा है ये कभी आपस में नहीं मिलते हैं, तो हम इसके क्या कह सकते हैं कि ये जो ये इन्फिनिटी पर मिलेगी, यानी इसका जो फोकस है वो क्या है, इन्फिनिटी पर है। जब फोकस है तो इसका फोकल लेंथ भी क्या होता है, इन्फिनिटी। फोकल लेंथ भी कितना होगा, इन्फिनिटी लंबाई का होगा। चलिए अब इसके पावर के बारे में बात कर लेते हैं। पावर ऑफ प्लेन मिरर इज जीरो, पावर ऑफ प्लेन मिरर इज जीरो, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। प्लेन मिरर का पावर क्या होता है, जीरो। वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, क्योंकि अगर एफ हमारा क्या है,
फोकल लेंथ इन्फिनिटी है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा। चलिए अब इसके बारे में हम प्लेन मिरर के बारे में और कुछ पढ़ते हैं, उसके बाद प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन पढ़ना है, मैग्निफिकेशन के बाद उसका यूजेस पढ़ना है, यूजेस के बाद फिर उसका प्लेन मिरर का द एंड हो जाएगा। अगर मान के चलिए आपसे कोई एक क्वेश्चन आ जाए कि यदि दो प्लेन मिरर को एक दूसरे के पैरेलल रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, एक दूसरे के पैरेलल, तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा। तो मान के चलिए अगर जब दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल है तो ये दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा, 0 डिग्री। और हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को अगर थीटा से डिवाइड, जीरो, अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा हमारा, इन्फिनिटी। यानी अगर जब दो प्लेन मिरर को एक दूसरे के पैरेलल कर दिया जाए तो उसमें बनने वाला नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, इन्फिनिटी। ये आप देखे होंगे शॉपिंग पिंग मॉल में, जब गए होंगे ट्रायल रूम में, तो चारों तरफ से दोनों तरफ पैरेलल क्या रहता है, वहां पे प्लेन मिरर रहता है, तो उसमें क्या फिगर क्या होता है, बहुत सारा दिखाई देता है कि एक फिगर बना, फिर उसके अंदर फिगर, बहुत सारे फिगर बने होते हैं। तो इससे ही हमारा यह क्वेश्चन भी एक डाउट क्लियर हो गया। यदि एक प्लेन मिरर है, अगर यहां से 90 डिग्री एंगल पर दोनों को सेट कर दिया जाए, तो मान के चलिए अगर कोई सोर्स है, यहां से कोई लाइट ऑफ सोर्स है, यहां से यहां पे किरण टकराई, क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। फिर यहां से प्लेन मिरर है तो फिर ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो यानी हम देख रहे हैं यदि अगर दो प्लेन मिरर को 90 डिग्री के एंगल पर सेट कर दिया जाए और एक रिफ्लेक्टेड, जो उसका रिफ्लेक्टेड रे है, सॉरी रिफ्लेक्टेड नहीं, इंसिडेंट रे है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, और ये भी, यह क्या है, एक इमर्जेंट रे की तरह काम, मान लीजिए रिफ्लेक्टेड रे है, तो क्या हो जाएगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। यानी अगर कोई सोर्स आ रहा है, सोर्स से लाइट आ रहा है, तो फिर अगर 90 डिग्री पे दो अगर प्लेन मिरर होगी तो उसके क्या हो जाएगी, एक पैरेलल हो जाएगी। इसको स्टेटमेंट के रूप में लिख लीजिए, इफ एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर इज 90 डिग्री देन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे क्या है, जो दूसरा रिफ्लेक्शन हुआ उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इमर्जेंट रे कहेंगे, इमर्जेंट रे बिकम्स पैरेलल टू ईच अदर। यानी कि जब दो प्लेन मिरर को 90 डिग्री के एंगल पे सेट किया जाए तो इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे की क्या होती है, पैरेलल होती है। एक और इसमें इसका एक प्रॉपर्टीज है, इसको आप पढ़ लीजिए, यदि दो प्लेन मिरर को 60 डिग्री एंगल पे सेट कर दिया जाए, तो मान के चलिए यह एक प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के अगर पैरेलल कोई लाइट बीम आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद दूसरे मिरर के पैरेलल हो जाती है। यानी यहां से सोर्स से लाइट आया, टकराया इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे इस प्लेन मिरर के क्या है, पैरेलल है, फिर जो ये इमर्जेंट रे है इस मिरर के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो इसे भी हम लिख लेंगे, इफ एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर इज 60 डिग्री एंड वन रे इज पैरेलल
वन ऑफ द मिरर, वन ऑफ द मिरर, देन इमर्जेंट रे, देन इमर्जेंट रे बिकम्स पैरेलल टू अदर मिरर। चलिए इसका प्रॉपर्टीज हो गया। अब हम चलते हैं इसके यूजेस के बारे में कि प्लेन मिरर की क्या क्या यूजेज है, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। तो हम पहले जानिए कि प्लेन मिरर का क्या क्या यूज है। तो एक तो ये हमारा हाइट सेम बनाता है, जिसको हम आमतौर पर बाथरूम मिरर के रूप में यूज करते हैं, पेरियोस्कोप में यूज करते हैं, कैलिडियोस्कोप में यूज करते हैं। कैलिडियो और पेरियोस्कोप आप देखे होंगे, नाइन्थ क्लास टेंथ में पढ़ना, नाइन्थ में हम लोग बहुत सारा टेंथ में आदमी बनाता है। तो यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, तो पहला पे हम लिख लेंगे बाथरूम मिरर के रूप में। दूसरा पेरियोस्कोप बनाने के लिए एक समझिए कि एक पेरियोस्कोप रहता है, आपका मिलिट्री में यूज किया जाता है छिपकर किसी आदमी को देखने के लिए। एक प्लेन मिरर लगा देते हैं, एक मान के चलिए एक जेड साइज का, जेड टाइप का आपका पैर होता है, लगा दिया जाता है, आदमी जब रहता है उसको यहाँ से देख लिया। जैसे मान के चलिए एक प्लेन में यहाँ पर जेड है, यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा दिया जाएगा, फिर यहाँ पे प्लेन मिरर लगा दिया जाएगा और यहाँ से हम छिप कर इस आदमी को देख सकते हैं। तो एक तरह से पेरियोस्कोप यही है और कुछ नहीं है। और एक कैलिडियोस्कोप में, कैलिडियोस्कोप आप अरे बनाए होंगे बचपन में, कैलिडियोस्कोप तो प्लेन मिरर के नॉर्मली बस यही यूजेज है। चलिए इसे हम अब आपको थोड़ा सा मैग्निफिकेशन के बारे में बता देते हैं। इसका मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, बस थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। डिफिनेशन इसका पहले लिख लीजिए, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ, कट तो नहीं रहा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एम एच आई बाई एच, यानी इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आवर्धन क्षमता, कि किसी भी मिरर की आवर्धन क्षमता क्या है। यानी कि वह मिरर मान के चलिए इसका हाइट, दोनों के बीच का क्या होता है हाइट, इसको समझ लीजिए। मान के चलिए एम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है। तो एम इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एच ओ इक्वल टू एच आई बाई एम। यानी कि जो जो जिस मिरर से किसी ऑब्जेक्ट का इमेज जो बन रहा है, वह उस ऑब्जेक्ट की कितनी गुनी बड़ी है या आधी है, हम मैग्निफिकेशन से पता करते हैं। तो हम जानते हैं कि प्लेन मिरर में जितने हाइट का ऑब्जेक्ट होता है उतने ही हाइट का इमेज बनता है। तो प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है वह प्लस वन होता है। अब इस प्लस का क्या यूज है, यदि मैग्निफिकेशन प्लस है तो इमेज आपकी सीधी बनेगी। तो हम जानते हैं कि प्लेन मिरर इमेज कैसा बनता है, सीधा, और निगेटिव रहेगा तो इमेज क्या बनेगी, उल्टा बनेगी। है बात समझ में? तो
प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है वह क्या होता है, +1, क्योंकि जितना हाइट का इमेज होता है उतना ही हाइट का ऑब्जेक्ट होता है। हमें प्लेन मिरर में बस इतना ही पढ़ना था, तो चलिए हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू कर लेते हैं कि प्लेन मिरर से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज, जल्दी जल्दी में। स्पीड ऑफ इमेज क्या होता है, बराबर होता है स्पीड ऑब्जेक्ट का, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ इमेज। अगर साइमेट्रिक केस रहा, साइमेट्रिक रहा तो 360 थीटा -1, अगर एसाइमेट्रिक केस रहा तो इस, अगर एसाइमेट्रिक केस रहा तो 360 बाई थीटा एंड 360 बाई थीटा -1, इसमें ऑड नंबर हमारा आना चाहिए। अगर प्लेन मिरर का हाइट कितना होना चाहिए, मिनिमम हाइट, प्लेन मिरर मिनिमम हाइट कितनी की होनी चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट को फुल इमेज देखने के लिए, ऑब्जेक्ट हाइट बाई 2, इसका फोकस क्या होता है, इन्फिनिटी पर इसका फोकस होता है, इन्फिनिटी पर। फोकस लेंथ कितना होता है, फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ को भी एफ से डिनोट किया जाता है, फोकल लेंथ क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। पावर क्या होता है इसका, जीरो होता है। मैग्निफिकेशन +1 होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होगा। बस हमें प्लेन मिरर के बारे में इतना ही जानना है और इसी से क्वेश्चन आएगा। तो चलिए आज आपका प्लेन मिरर समाप्त होता है, कल हम इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, उसके बाद कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के डिटेल के बारे में पढ़ेंगे।